ऐसे तो यही तो पेड़ तो यही तो है पेड़ तो है। तो इसी पेड़ से हम लोग ब्रांच करता है। सुबह हो गया तो मैं अभी सुबह सुबह सो के उठा हूँ, तो अभी ब्रश करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे ब्रश करता है तो आप लोग को अभी दिखाऊंगा हम लोग क्या चीज़ से ब्रश करता है। हम लोग गांव का रहने वाला है तो ऐसे ब्रश व्रश उतना नहीं करता, लेकिन पेड़ से ब्रश करता है। तो चलो दिखाएंगे आप लोगों को। कौन ठू से बारिश करने से सबसे अच्छा लगता है मैं दिखाऊंगा, कौन ठू से बारिश करने से सबसे अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा ऐसे तो यही तो पेड़ तो यही तो है पेड़ तो यही तो है दिखाई दे रहा है ना, पेड़ तो यही तो है, लेकिन इस ये तो थोड़ा सीधा नहीं है ना, इसलिए इससे करके अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग को सीधा पेड़ में दिखाता हूँ, सीधा पेड़ किधर में होगा। चलो कहाँ मिलेगा सीधा पे। ओ तो ये देखिए, मैं इससे आप लोग को दिखाऊंगा, ऐसी चू काट के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इसी पेड़ से हम लोग ब्रांच करता है। ऐसे करके काटता है और ऐसे करके ये लंबा है ना, लंबा ऐसे लंबा तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे कटा हुआ होने से तो ब्रश करना नहीं सकेगा, तो इसको समन करना पड़ता है, इसका पूरा समन करना पड़ता है, उसके बाद में ब्रश किया जाता है। पूरा हमने देखा था हमने ऐसे करके ऐसे सामान से ऐसे छिला जाता है। तो छील के देखो, इसे छील के साफ कर देता है, उसके बाद में इसी से ब्रश करता हूँ हर रोज। तो ये पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और इसको ज़्यादा नहीं बड़ा होता है, इसलिए ये लोग काट के हम लोग ब्रश करता है, नहीं तो इसे बड़ा पेड़ होने से तो नहीं करता, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसे 4-5 फुट ऊंचा होता है, उससे ऊंचा नहीं होता है। तो हम लोग यही से ब्रश करते हैं हर रोज। तो आप लोग तो शायद ब्रश करते होंगे, हम लोग को तो गांव में बहुत आदमी सब ब्रश नहीं करता है, जो लकड़ी है ना इसी से चिबा के ब्रश करता है। तो इससे ब्रश करने का कुछ मज़ा ही अलग है। तो जीवा साफ करने के लिए हम लोग ऐसे लकड़ी के बीच बीच फाड़ देता है, तो ऐसे हम लोग तो भाषा में इसको दातुन भी बोल देता है। तो ऐसे ऐसे गुचा के हम लोग जीवा साफ करता है, जैसे कि तो किन्ने से तो ओठो मिल जाता है, क्या बोलता है ओठो जीवा साफ करने वाला, लेकिन इससे हम लोग रोज अलग अलग दातुन करके अलग अलग से फाड़ के सब जीव साफ करता है। तो मैंने मेरे वीडियो को आप लोग को देख के कैसा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और मैंने ये नया चैनल क्रिएट किया है तो इसमें इसे वीडियो डालता रहूँगा, तो आप लोग को भी सपोर्ट चाहिए, आप लोग सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें ताकि मैं इसे वीडियो बनाते रहूँगा। और ये तो मेरा ब्लॉग का स्टार्टिंग है, बाद में मैं अच्छा अच्छा भी वीडियो दे सकता हूँ शायद। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं वीडियो दूँ तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग मेरे वीडियो को देख पाए। तो आज का वीडियो इतना ही, तो